दोस्तों कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम डेट से संबंधित बात करने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेकेंडरी एजुकेशन और संस्कृत डिपार्टमेंट दोनों की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ईरा बोस का, ये ईरा बोस का आज का ट्वीट है फ्रेंड्स, ये स्कूल व्याख्याता भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट का फ्रेंड्स। किसका? संस्कृत डिपार्टमेंट में 5 विषय प्लस 1 GK पेपर, 5 विषय प्लस 1 GK पेपर 13 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक है दोस्तों। ये मतलब इसका एग्जाम कब होगा? 13 नवंबर से 15 नवंबर तक होंगे। 5 विषय है सब्जेक्ट के और 1 GK का पेपर है। फिर अब ये फर्स्ट ग्रेड की होगी। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड ग्रेड की बात फ्रेंड्स, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा में, ठीक है। 6 विषय फ्रेंड्स में, 6 विषय और 2 GK पेपर होंगे जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में फ्रेंड्स। ध्यान से फ्रेंड्स, जनवरी 2023 में द्वितीय सप्ताह में फर्स्ट ग्रेड का पहले हो रहा है और सेकंड ग्रेड का बाद में हो रहा है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि क्यों हो रहा है ये, आगे पीछे क्यों है, पहले फर्स्ट ग्रेड का क्यों है, सेकंड ग्रेड का बाद में क्यों है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ईरा बोस का। ये फ्रेंड्स ये कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इनको RPSC की तरफ से कुछ हिंट मिला है, कुछ जानकारी मिली है, तभी इन्होंने ट्वीट किया है फ्रेंड्स। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। 26 विषय प्लस 3 GK पेपर 8/10/2022 फ्रेंड्स, अब 8 अक्टूबर से दे, ठीक है। 8 अक्टूबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक एवं 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक है। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती यानी फर्स्ट ग्रेड का है सेकेंडरी एजुकेशन का। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ग्रेड की फ्रेंड्स, द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 8 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, 8 सब्जेक्ट और 3 GK के पेपर हैं, जो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा आयोजन इसका। कब? 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक फ्रेंड्स। ये दोनों वैकेंसी एजुकेशन वाली, सेकेंडरी एजुकेशन वाली 2022 में हो जाएगी, लेकिन वो 2023 में कंप्लीट होगी संस्कृत शिक्षा वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट ग्रेड का पहले है और सेकंड ग्रेड का बाद में, क्यों फ्रेंड्स ऐसा क्यों है? उपेंद्र यादव ने आज लाइव आकर वो भी बताया था, और उन्हें शिक्षा विभाग वालों ने भी ये बताया कि अगर पहले अगर थर्ड ग्रेड की करवाते हैं, उसके बाद सेकंड ग्रेड और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की, अगर ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट पहले थर्ड ग्रेड में लगता है, वो अगर वो सेकंड में लग जाता है फिर फर्स्ट में लग जाता है, तो फ्रेंड्स वो सीट खाली रह जाती है, थर्ड ग्रेड की भी रह जाती है, सेकंड की भी खाली रह जाती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाया। अगर जो स्टूडेंट को लगना है फर्स्ट ग्रेड में, तो वो फर्स्ट ग्रेड में लग जाएगा सीधा, फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाया इन्होंने, फिर वो सीधा सेकंड ग्रेड में लग जाएगा जिसको लगना है, फिर बचे थर्ड ग्रेड। तो इनकी जैसे सीट है वो फ्रेंड्स खाली नहीं रहेगी, सीट वेस्टेज नहीं जाएगी, जैसे पीछे के एग्जाम में चली जाती है। तो इन्होंने ये सही निर्णय लिया फ्रेंड्स, पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, फिर सेकेंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का। थर्ड ग्रेड का आपको पता है फ्रेंड्स जनवरी के लास्ट सप्ताह में बोल रहे हैं 2023 में सेकंड पेपर होगा इसका, रीट का तो अभी आपको पता है 23-24 जुलाई को, लेकिन सेकंड पेपर रीट का जो सेकंड पेपर है वो 2023 जनवरी के लास्ट में होगा फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए आप, RPSC के स्कूल व्याख्याता के सेकेंडरी का ये 8 अक्टूबर से है फ्रेंड्स, और 17 दिसंबर से द्वितीय श्रेणी का, ये फर्स्ट का है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स ऐसा क्यों है कि पहले फर्स्ट ग्रेड क्यों करवाया जा रहा है और सेकंड ग्रेड बाद में क्यों करवाया जा रहा है फ्रेंड्स। बस यही कारण था जिसकी, जिससे कि ये सीट वेस्टेज ना हो, सीट खाली ना हो, और किसी अनअटेंड कैंडिडेट की बारी आ सके। तो दोस्तों ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इनको ईरा बोस की तरफ से इनका ऑफिशियली होता है, लगभग इनको जो न्यूज़ मिलती है वो बता देते हैं हम, बहुत बार इनका नोटिफिकेशन लगाते हैं, सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसी और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।